हेलो, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता आप सभी का होम्योपैथिक एनलाइटेंड में स्वागत करता हूं और आज हम एक केस के माध्यम से कुछ रूब्रिक को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि केस का हम वीडियो रिकॉर्डिंग यहां पे नहीं दिखा सकते हैं, तो ना ही उसको किसी और ढंग से नाम आइडेंटिटी रिवील कर सकते हैं। इसलिए जितना कुछ भी हम अपने बल पे बता सकते हैं अपनी मेमोरी के बेस पे, वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको उसी से आप अपनी एक इमेजिन करें कि पेशेंट की अपीयरेंस कैसी होगी, कैसे बोल रहा होगा, उसका क्या भाव होगा, ये सब आपको खुद अपने लेवल पे आके उसको करने हैं, तभी आपको ये पिक्चर इसकी समझ आएगी। जैसे मैं आपको, ये एक 32 साल का एक इंजीनियर है और इसको समस्या है कि सुबह उठते ही इसको बहुत सारी छींकें आती है। छींकें आने के बाद नाक बहना शुरू हो जाती है, आंखें जलने लगती हैं, टायर्डनेस रहती है, भूख बिल्कुल नहीं लगती, और कभी जब भूख इसको कुछ खाना भी होता है तो ये बहुत चटपटा बना के उसको खाता है, तो जरा भी स्वाद नहीं आया अगर खाने में तो फिर ये उसको खा नहीं पाएगा। दूसरा, इसके अंदर इतनी लेथार्जी है, बहुत ज़्यादा लेथार्जी है। तो अब ये मेरे पास कैसे आया, ये समझने की बात है। महाराष्ट्र में हमारा सहयोग का एक कैंप लगता है 7 दिन का, तो वहाँ किसी बच्चे की आंख में पत्थर लगने से चोट लग गई। अब वो कैंप बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वो लोग उसको छोड़कर जाना नहीं चाहते थे डॉक्टरों के पास, क्योंकि वो एक रिमोट एरिया में है, वहाँ कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती है। तो बच्चे की आँख में पस पड़ गई अगले दिन और बहुत सूज गई। तो ये इसी का वो रिश्तेदार था, मरीज भी, तो इसलिए वहाँ जब उन्होंने उनको मेरे बारे में पता लगा तो मैंने उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। उन दिनों मैं अपने साथ होम्योपैथी की पूरी किट लेके चलता था जब कैंप में जाता था, तो मैंने उस वक्त उस बच्चे को दवाई दी और बहुत ही चमत्कारिक ढंग से 2 दिन में ही उसकी आँख पूरी तरह से ठीक हो गई, जबकि उसको ऐसी संभावना थी। जो वहाँ आई स्पेशलिस्ट थे हमारे कैंप में, जो आकर ठहरे हुए थे सहयोग के हिसाब से, तो उन्होंने बता दिया था कि इसको इमीडिएट ज़रूरत है, नहीं तो ये ब्लाइंड हो जाएगा। तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो ये उसके साथ साथ उसके रिश्तेदार का बच्चा था ये। तो हम अपने घर आ गए, ये सब लोग अपने घर चले गए, हमारा आपस में कोई भी जानकारी नहीं थी। तो अब इसको जब, ये बहुत पुरानी बात है, मतलब लगभग 10 साल पुरानी बात है, तो जब इसको ये समस्याएँ हुई तो ये अपना होम्योपैथिक इलाज कराता रहा कहीं ना कहीं। तो होम्योपैथिक डॉक्टर ने इसको बहुत सारी दवाई दी जिसकी लिस्ट इसने मेरे को दी है, मैं उसकी कुछ पढ़ के आपको सुनाता हूँ। चाइना 30, सल्फर 30, नक्स वोमिका 200, जेलसीमियम 200, नेट्रम्योर 200, आर्सेनिक एल्ब 200, नाइट्रिक एसिड 200, र्यूमैक्स 200, पल्सिटिला 30 201M, सेबेडिला 30 201M, यूफ्रेशिया 30, एलियम सेफा 30, ओसिमम कैम 30, स्पॉन्जिया 30 200, हिपर सल्फ 30 201M, नेट्रल सल्फ 30 201M। और इसने कहा कि मेरे को इतनी ही दवाइयों के नाम मालूम है, इससे अलावा बहुत सारी और दवाइयाँ हैं जो डॉक्टरों ने मेरे को दी हैं पिछले 8-10 साल में, पर मुझको किसी भी दवाई से जरा सा भी कोई रिलीफ नहीं आया। अब क्योंकि ये मेरे को जानता नहीं था, मैं भी इसको नहीं पहचानता था, इतने सालों के बाद ये आया है, सहयोगी है, ये तो मुझे मालूम पड़ गया था, पर किसने मेरे को कैसे ढूंढा, हमारी दोनों की कोई जान पहचान नहीं। तो इसका ट्रांसफ़र महाराष्ट्र से दिल्ली हो गया, द्वारका में, हमारे घर से लगभग 8-10 किलोमीटर। इसको नहीं मालूम था, इसको इतना ही मालूम था मेरे बारे में, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता हूँ और दिल्ली से कहीं से आया हुआ हूँ, इतनी जानकारी मेरे पास इसके पास थी मेरे बारे में। जब इसका ट्रांसफ़र दिल्ली हुआ तभी से इसने सोच, ये धुन लग गई इसको कि मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता से इलाज कराऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा पूरी तरह से। तो अब इसने जगह 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 ढूंढ ढूंढ के मेरे नंबर एड्रेस निकाले और कितने ही महीनों की इंक्वायरी के बाद ये आखिर तक मेरे घर पर पहुँच गया। यानी इसका कितना ज़्यादा प्रयास था कि ये मेरे से इलाज करा के ही ठीक होगा, ये इसका मानना था, क्योंकि इसने पहले एक मरीज को बहुत ही चमत्कारिक ढंग से ठीक होते हुए देखा था, तो इसलिए इसने सारे प्रयास किए। और होम्योपैथिक ऑलरेडी इलाज करा चुका था इतने टाइम से, तो इसको पता था कि होम्योपैथिक डॉक्टर बहुत अच्छा रिजल्ट बीमारी में नहीं देते हैं, केवल वही दे सकते हैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता।
तो इसलिए इसने सारे प्रयास किए। अब जो इसको समस्या है छींके आने की, वो एक तो ह्यूमिड वेदर यानी जो जिसमें उमस वगैरह होती है उसमें बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा अगर ये जरा भी कोई डस्ट के कांटेक्ट में आ जाए तो बहुत ज़्यादा होता है, पुरानी डस्ट के कांटेक्ट में अगर आ जाए जैसे घर की सफाई करनी है, पुरानी फाइलें हैं, पुरानी बुक्स हैं, कपड़े हैं, कभी संदूक खोल ले कभी बेड खोल ले, तो इसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है छींके मार मार के। अब यहाँ तक कि इसको जो डे टू डे लाइफ है उसमें भी होती है, ठंडी हवाई जरूरी नहीं है, गर्म हवा भी इसको लगेगी, किसी भी किस्म की हवा अगर इसको नाक पे लग गई तो तुरंत छींके शुरू हो जाएंगे। अब ये बाइक पे चलता है तो ये बाइक पे पूरी तरह से बहुत टाइट कपड़ा नाक के ऊपर बांध के चलता है ताकि कोई हवा मेरे नाक में लगे तो छींके ना आना शुरू हो जाए। रात को गर्मी के महीने में जब बिल्कुल बहुत गर्म होता है, पसीने पसीने हो रहा होता है, पर उस वक्त भी ये पंखे के नीचे नहीं सो सकता है, और पंखे के नीचे अगर सोना होगा तो ये नाक और मुँह को बहुत बुरी तरह टाइटली कपड़े से बांध कर सोता है, नहीं तो इसकी छींके बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो यानी इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अब जब ये बातें बता रहा है तो इसने अपना दाहिना हाथ अपने लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में रखा हुआ है, तो ये तरह तरह की शक्लें बनाई जा रहा है कि जैसे बहुत ही ज़्यादा ये तकलीफ में है। तो मैंने इससे पूछा भाई ये तुम क्या कर रहे हो, कहता यहाँ बहुत ज़्यादा दर्द है, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये 24 घंटे रहता है। अब ये छोटी छोटी बातें कैसे मेरे पास पहुँचा, क्या किया, ये सारा डिटेल, कैसे खाने को उसने कहा, तो सारी डिटेल इसने मुझे इतने बारीक में बताई, पर अपने दर्द के बारे में इसने एक बार नहीं बताया। तो ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है मेरे लिए कि जिस आदमी को इतना ज़्यादा दर्द हो कि एक मिनट भी वो शांति से नहीं बैठ रहा हो और तरह तरह की शक्लें बन रही हैं दर्द के वजह से, और वही दर्द के बारे में जरा सा भी जिक्र ना करे, अपनी छींकों के बारे में कर रहा है, खाने पीने के बारे में कर रहा है, ऑफिस के बारे में कर रहा है, कैसे उसने मुझे ढूंढा, ये कर रहा है, सारी बातें कर रहा हो पर दर्द का जिक्र नहीं कर रहा है। तो फिर मेरे से ये पूछने लगा कि मुझे दर्द क्यों हो रहा है, तो मैंने कहा तुम गर्म खाते हो, लीवर वीवर है, अल्सर है तो उससे हो जाता है। तो कहते अगर अल्सर होता तो मैं पेन किलर खाता हूँ तो उससे ठीक हो जाना चाहिए, तो उससे तो ठीक होता नहीं है, इसका मतलब अल्सर तो मेरे अंदर नहीं है। तो मैंने कहा यार कुछ नहीं होता, तुम सारा दिन बैठते रहते हो, 8-8, 10-10 घंटे चेयर पे बैठ के तुमको काम करना होता है तो इसलिए वो प्रेशर पड़ता है तो वहाँ हो जाता है, दर्द होने लगता है उसके कारण। कहता ये ऐसे कारण नहीं है, ये कारण होता तो जिस दिन मेरी छुट्टी होती है उस दिन तो मैं चेयर पर बैठता नहीं हूँ, उस दिन तो या तो घूमता रहता हूँ या लेटा होता हूँ, तो दर्द तो उस दिन भी रहता है, इसका मतलब उससे नहीं हो रहा है ये। तो ऐसे इसके पास हर चीज़ का रीज़न था। तो मैंने कहा यार एसिडिटी होती है तो उसको उससे हो जाता है, कह रही एसिडिटी कहाँ से होगी, तो मैं एंटासिड भी ले लेता हूँ उससे भी तब भी दर्द नहीं रुकता, और मेरे को कभी एसिडिटी होती तो मेरे को खट्टी डकार जलन वगैरह आती तो वो तो आती नहीं है, तो हर चीज़ का इसका रीज़न था। तो मैंने इसको कहा भी कोई बात नहीं, तुम कुछ थोड़े दिन खाना ना बिना मसाले का खाओ, बिल्कुल फीका उबला हुआ खाना खाओ। अब ये कहता जी मैं जब चटपटा खाना ही नहीं खा पाता हूँ, मुझको इतनी भूख ही नहीं लगती है कि चटपटा स्वादिष्ट खाना भी खा पाऊँ, तो मैं ये फीका खाना तो बिल्कुल ही नहीं खा पाऊँगा, इसलिए तो मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा तुम्हारी समस्या क्या है, मेरे को अभी तक समझ नहीं आई है एग्जैक्टली छींकों की है या पेन की है या भूख की है। तो कहता जी मुझको कोई समस्या नहीं है, मुझको थोड़ी सी इम्यूनिटी कम है, मैं बीमारी से लड़ नहीं पाता हूँ, वो इम्यूनिटी कम हो गई है मेरी, इस वजह से मेरे को ये सारी समस्याएं हैं, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मैं एमवे का एक प्रोडक्ट होता है वो मैं खा रहा हूँ कई सालों से, तो उससे थोड़ी थोड़ी ठीक रहती है, और स्नीजिंग के लिए मैं बहुत टाइम से स्टीरॉयड खा रहा हूँ लगभग पिछले 4-5 साल से, तो उसके कारण मेरी स्नीजिंग थोड़ी सी कम है, वरना अगर आज स्टीरॉयड बंद कर दूँ तो ये 24 घंटे में मेरी हालत ख़राब कर देगी। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो मैंने इसको कहा भी अगर तेरे को एमवे के प्रोडक्ट से सिर्फ इम्यूनिटी कम है और इतने सालों से तू खा रहा है तो तेरा कुछ तो इम्यूनिटी इम्प्रूव हो ही चाहिए, होम्योपैथिक दवाई खा ली, तो इसका उसके पास कोई जवाब नहीं है, स्टीरॉयड से साइड इफेक्ट आते हैं इसका कोई जवाब नहीं है, पर उसको खा रहा हूँ। तो यानी इसके पास किसी भी मेरे सवाल का आखिर में जवाब नहीं था, पर ये हर सवाल का आर्गुमेंट दे के
उसको काट रहा है, यानी मेरी बात से सहमत नहीं हो रहा ये। पर क्यों नहीं सहमत हो रहा अब ये? क्योंकि इसको इलाज चाहिए और प्रॉपर इलाज चाहिए, क्योंकि पहले बहुत सारा इलाज करा चुका। तो ये इसका केस है। अच्छा, और दूसरे इसने बताई है कि मैं बहुत लेथार्जिक रहता हूँ, सुस्त रहता हूँ। सुबह जब उठता हूँ बिस्तर में से तो बिल्कुल उठने की मन नहीं करती, आलस होता है, लगता है पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत मुश्किल से उठ के मैं काम पे जाता हूँ। और एक और बात है कि सारा दिन इतने विचार आते हैं मेरे को, पास्ट के, फ्यूचर के, क्या होगा, कैसे होगा, सब ये विचारों में 24 घंटे में घिरा रहता हूँ, तो दिमाग मेरा थका रहता है। अब इसको हमें एनालाइज करना है, तो हमने इसको कैसे एनालाइज किया वो थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ मैं आप लोगों को डिस्कशन में शामिल नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको खुद ही अपने लेवल पे इसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैंने इसका लिया ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, यानी इसका ऑब्जेक्टिव इतने सारे प्रयास करना, मेरे का एड्रेस ढूंढना, घर आना, आर्गुमेंट करना, तो इसका एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता के पास चला जाऊं तो वहां मेरा इलाज हो जाएगा, यानी अपनी बीमारी से छुटकारा पाना इसका केवल एकमात्र उद्देश्य है जिसके लिए ये। और उसका रीजन है कि वो कर देंगे क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसे काम किए हुए, तो ये उसका उद्देश्य है। तब मैंने मेन रूब्रिक इसका ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लिया। अब इस उद्देश्य को पाने के लिए वो क्या कर रहा है? वो अपनी बीमारी का एक किस्म का बढ़ा चढ़ा के वो बता रहा है, जैसे वो दर्द के बारे में कितना बुरी तरह से हाथ लगाए, जितनी देर डिस्कशन चला उतनी देर दर्द पे ही हाथ में पकड़ा रखा इसने, उतना ही देर ही ये मेरे आर्गुमेंट करता रहा, किसी बात से सहमत हुआ नहीं। यानी इसके अंदर एक रीजनिंग पावर बहुत ज़बरदस्त है। तो रीजनिंग पावर का मतलब है इसका दिमाग बहुत शार्प है, इंटेलिजेंट है, और उस इंटेलिजेंसी के कारण ही इसने फैसला लिया है कि डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता मेरा इलाज सही ढंग से करेंगे, और सारे प्रयास इसने वहीं से शुरू किए हैं, मेरा एड्रेस ढूंढना और इतनी कठिनाई के बाद भी मेरे पास पहुंचना। तो अब ये दिमाग में घुस गया, क्या घुस गया, कि जो इसने मान रखा है कि मैं ये बीमारी इस वजह से नहीं है, वो बीमारी उस वजह से नहीं है, तो एक दिमाग की सुई जैसे इसके सर पे, चेहरे पे, इस पे दिमाग में अटक गई है। कोई रीजनिंग इसको अपनी उन मान्यताओं से हिला नहीं पा रही है, यानी जैसे एक जिद हो जाती है ना। तो ये इसको रूब्रिक हमने लिया था ऑब्स्टिनेसी, जबकि एक बहुत बड़ा रूब्रिक है पर इस केस में काफी रेलेवेंट है। अब जब सुबह ये सो के उठता है, फेनिंग सीख लिया क्योंकि दर्द के बारे में बहता है। तीसरा रूब्रिक लिया था हमने ट्रिफल्स सीम्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बातों को भी बहुत डिटेल में बता रहा है, इसने कोई पॉइंट छोड़ा नहीं और आर्गुमेंट से उसको सिद्ध किया, तो इसलिए इसको लिखा ट्रिफल्स। ट्रिफल्स माने ऐसी बातें जिनका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, वो बताए तो ठीक, ना बताए तो ठीक, पर ये इसको लग रहा है कि ये भी मैं बता दूं ताकि मेरा इलाज सही ढंग से हो जाए, डॉक्टर को मेरा केस अच्छे से समझ आ जाए। यानी उस चीज़ों को महत्वपूर्ण समझना के पीछे भी उद्देश्य यही है कि मेरा इलाज अच्छे से हो जाए, यानी वो अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करना चाहता है, तो इसलिए सारी क्रियाएं सब उसी के हिसाब से चल रही हैं। अब ये एक और बात कह रहा है कि अपने जो टॉलरेंस है, एक तरफ ये कह रहा है कि मुझको इम्यूनिटी कम है, दूसरा तरफ कह रहा है कि मेरी टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है। और कोई अब जैसे दर्द है, दर्द के बारे में इसने जिक्र नहीं किया, तो उसकी वजह पूछने पे इसको बता रहा है कि भाई ये मेरे अंदर टॉलरेंस पावर बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं पेन किलर नहीं खाता हूँ, केवल छींक के लिए स्टेरॉयड खाता हूँ और एमवे का प्रोडक्ट खाता हूँ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। दर्द क्योंकि मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, और कोई होता तो पेन किलर खाता। तो ये जो टॉलरेंस के बारे में जो बूस्टिंग कर रहा है, ये अपने एक ईगोटिज्म को दिखा रहा है, यानी मैं ऐसा हूँ जो दूसरे लोग नहीं है, यानी उनसे मेरी क्षमता ज़्यादा है। तो इस सारे उनको मिलाकर जो कुछ फाइनल सिम्टम आए हैं हमारे पास, वो है ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, अपने उद्देश्य को हासिल करना, उद्देश्य है इलाज से सही हो जाना, फेनिंग सिक टू बी, ट्रिफल सीम्स इम्पॉर्टेंट,
obstinacy had strong और bad desire to remain. इन सब के अंदर साइलिशिया दवाई आती है और साइलिशिया 30 की इसको एक खुराक दी गई, क्लिनिक पे ही खिला दिया गया, वहीं इसको काफ़ी ठीक लगने लगा था और एक हफ्ते के बाद इसको प्लेसिबो देकर बुलाया गया कि एक हफ्ते के बाद आना है। एक हफ्ते के बाद जब ये आता है तो ये बड़ा खुश नज़र आता है, क्या कहता है ये, मेरा पेन काफ़ी कम है, जबकि ये पेन के लिए नहीं आया था हमारे पास, लेकिन आते ही ये कहता है मेरा पेन काफ़ी कम है। मैंने कहा अच्छा थोड़ा कम हो गया, कहता है थोड़ा नहीं कम हो गया, बहुत कम हो गया। मैंने कहा बहुत माने, कहता 70-80% कम हो गया, अब तो मेरे को पेन दिखता ही नहीं, चेहरे से फ्रेश लग रहा है। कहता मैं अब खाना खा रहा हूँ लेकिन वो चटपटाई खाता हूँ, मेरे से जैसे आपने बताया था कि फीका खाना खाओ, वो मुझसे खाया नहीं जा रहा है। दूसरा स्लीप, अब मैं बड़े मज़े में सोता हूँ, मेरे को वो विचार न रात की चिंता, पीछे की चिंता, न आगे की चिंता। एक और उसने बताया है कि मन में बड़ी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस केस का, मेरे मन में शरीर में शांति और स्फूर्ति लग रही, यानी मैं बहुत फ्रेश और एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। तो ये बहुत श्योर इंडिकेशन होता है कि हमने जो दवाई दी है वो परफेक्ट सिमिलिमम है, होम्योपैथिक रेमेडी है, वो इसको पूरी तरह से वाइटल फोर्स की हार्मोनी को रीस्टोर कर लेगी। यहीं से क्योर शुरू होता है। अब इसके बाद हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसको कोई भी दवाई दें। एक और चेंज जो इसके अंदर आया, अब ये मैंने इसको कहा भी अब तो ब्लेंड डाइट खाना शुरू कर दे, कोशिश कर, तो अब ये तैयार हो गया कि हाँ भाई अब मैं ब्लेंड डाइट खा लूँगा, अब मेरे को इलाज के लिए मैं सब कुछ कर लूँगा, क्योंकि अब इसके अंदर हिम्मत आ गई है खाने की, पहले हिम्मत नहीं थी। एक और बात जो इसने बहुत बड़ी करी कि मैंने इसको कहा था भाई जो तू इम्यूनिटी के लिए ये प्रोडक्ट लेता है एमवे का, 4 साल से ले रहा है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, मामूली सा तो अंतर बताता है, तो उसको छोड़ दे। पर ये उस वक्त छोड़ने को तैयार नहीं था। अब मैंने दोबारा इसको कहा कि भाई तू हमारी दवाई जब खा रहा है उससे इम्प्रूवमेंट आ गया है तो तू एमवे का प्रोडक्ट लेना बंद कर दे। तो अब ये एमवे का प्रोडक्ट लेना को उसने कहा तुरंत तैयार हो गया कि हाँ ठीक है। फिर रीज़न दिया इसने कि अगर मेरा इलाज आपकी दवाई से अच्छा हो रहा है, यानी मैं आपकी दवाई से सुधर रहा हूँ, तो मुझको प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। तो यहाँ भी ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल था, रीजनिंग के साथ काम कर रहा है। ऐसी वो ब्लेंड डाइट की बात थी कि भाई ब्लेंड डाइट से अगर मैं जल्दी सही होऊंगा तो फिर मैं ब्लेंड डाइट खा लूंगा, तो वहाँ भी रीजनेबल है ये। अब ये फेनिंग वेनिंग नहीं बता रहा है, अब ये इन ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए क्या करता है, ठीक होने के लिए इसने दुनिया भर के बहाने बनाए, झूठ बोला, बीमारी का बहाना बताया, छोटी छोटी बातें बताई, सब कुछ बताया इसने। तो ऑब्जेक्टिव था कि किसी तरह से इसको अपनी बीमारी सही करना। तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल के बारे में डिस्क्राइब से मैंने दूसरे वीडियो में बताया है, यहाँ पर उसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर आप ऑब्जेक्टिव रीजनेबल को डिटेल में दोबारा समझना चाहते हैं एक्सक्लूसिवली, तो फिर मैं आपको उसके लिए अलग से बहुत डिटेल में ऑब्जेक्टिव रीजनेबल का अलग वीडियो बना दूंगा आपको। तो पर ऑब्जेक्टिव रीजनेबल के बारे में हम केवल इतना ही समझ सकते हैं कि इंसान अपने उस उद्देश्य को हासिल करना चाहता है जो वो कर सकता है, जो उसके लिए जरूरी है। ऐसा नहीं चाहता कि वो, ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं रखता कि वो जाके प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ऐसा नहीं रखता। तो जैसे कुछ उदाहरण एक दो हम लेते हैं कि जैसे कुछ मरीज आते हैं, वो कहते हैं मेरे को आप बहुत तेज़ दवाई दे दो क्योंकि मैं इस बुखार से छुटकारा चाहता हूँ, क्योंकि कल मुझे एक फंक्शन में जाना है, काम पे जाना है, ऑफिस भी जाना है। तो इसका रूब्रिक बनता है कैरिड डिजायर टू बी फास्ट टॉक्स ऑफ बिजनेस एंड ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। आर्सेनिक दवाई आती है इसकी। तो उस तरह ऐसे छोटी छोटी बातों से भी हम केस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी ये केस के द्वारा साइलिशिया और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपको इससे कुछ लाभ होता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये बहुत ज़रूरी है।
कुछ लोग मैं देख रहा हूँ इसको सुनते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोज पहुँच सके। वीडियो देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।